हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं सुष्मिता। आज हम बनाने वाले हैं आलू कटहल की सब्जी। और इस रेसिपी को बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे से मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। और इस रेसिपी को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूले। इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कटहल की सब्जी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन गर्म कर लेंगे और उसके अंदर हमें डाल देना है क्यूब किया हुआ कटहल और आलू। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम कटहल लिया है और 3 मीडियम साइज का आलू लिया है और इसे हमें बॉईल कर लेना है। थोड़ा सा नमक डाल के हम इसे बॉईल करेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हल्दी डाल के फ्राई करना है। नमक हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने नमक डाल के इसे बॉईल किया है। और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के टाइम आप अगर ज़्यादा सब्जी का यूज़ कर रहे हो तो आलू और कटहल को अलग अलग फ्राई कर सकते हैं। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि आलू और कटहल में बहुत ही अच्छे से कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और हम फिर से एक पैन गरम कर लेंगे और उसके अंदर हमें मस्टर्ड ऑयल डाल देना है और ऑयल को भी हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे जीरा 1/2 टीस्पून और एक तेजपत्ता डाल देंगे और इसे भी हम थोड़ा फ्राई होने के लिए छोड़ेंगे। फ्राई होने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक बड़ा साइज का प्याज जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है और प्याज को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक भी यूज करेंगे। आप चाहे तो इसे कवर करके भी फ्राई कर सकते हैं। प्याज देखिए गोल्डन हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, एक बड़े चम्मच डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका रॉनेस चला जाए। अब देख सकते हैं मसाला से तेल सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक मीडियम साइज का स्लाइस किया हुआ टमाटर और टमाटर को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जब टमाटर फ्राई हो जाए तब हम इसके अंदर सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर, डालेंगे जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हम डाल देंगे इसके अंदर रेड चिली पाउडर। तीखा आप जितना खाना चाहते हैं उस हिसाब से डाल दें। साथ में हम थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे और नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला ना जले और इसे हम मिलाकर कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इसको कवर हटा लेंगे। अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देंगे। आप जब सूखे मसाले डाल रहे हो तभी हल्दी पाउडर डाल दीजिए और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाला और तेल सेपरेट हो जाना चाहिए, तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू और कटहल जिसे हमने फ्राई करके रखे थे और इसे अच्छी तरह से मिलाकर इसके अंदर हमें 1/2 कप पानी डाल देना है। अभी हम ग्रेवी के लिए पानी नहीं यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा कम ही पानी आप इस टाइम डालें। और पानी को डाल के हम इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि आलू और कटहल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाला को एब्जॉर्ब कर ले। 5 मिनट बाद हम इसका कवर को हटा लेंगे और चेक कर लेंगे कि आलू और कटहल सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। अगर सॉफ्ट नहीं होता है तो आप फिर से 5 मिनट के लिए इसे कवर कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे आलू और कटहल सॉफ्ट हो गया है तो हम इसे और 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए और तेल छोड़ दे। तब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए। 1 कप हम यहाँ पे पानी का यूज़ कर रहे हैं। आप जितना ग्रेवी डालना चाहते हो उस हिसाब से पानी यूज़ कर ले और साथ में आप यहाँ पर नमक भी चेक कर सकते हैं। इसे सब्जी पानी को सब्जी के साथ अच्छे से मिला लेंगे और इसे कवर कर देंगे लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इसका कवर हटा लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला 1 टीस्पून और धनिया पाउडर भी डाल, धनिया पत्ता भी इसके ऊपर से डालेंगे चॉप करके और ये सर्व करने के लिए रेडी हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे आप रोटी, पराठा या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। अभी के लिए आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।